आपने कभी न कभी अपनी राशि तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन 12 राशियों का जन्म कैसे हुआ? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के 27 और कहीं कहीं 28 नक्षत्रों के बारे में वर्णन है। साथ ही सूर्य की 12 राशियों को तो हम सब जानते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 88 मॉडर्न तारा मंडल, 28 वैदिक नक्षत्र और 12 राशियों को वैज्ञानिक तर्कों के साथ जानेंगे, साथ ही इनकी उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के इतिहास के बारे में। तारे हमारे ब्रह्मांड में अरबों सालों से हैं। ये हमारी पृथ्वी के जन्म के पहले भी यहाँ थे और पृथ्वी के अंत के बाद भी होंगे। लाखों सालों पहले जब इंसानों ने दो पैरों पर चलना शुरू किया, तब उनकी नजर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ऊपर आसमान पर भी थी। हम दो पैर वाले जीवों ने विकास के दौरान कई नई चीजें सीखी, जिनके साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ और हमने सभी जीवों में सबसे उन्नत इंटेलिजेंस हासिल की। इंटेलिजेंट होने के साथ ही हमारे दिमाग में पैटर्न पहचानने का गुण भी डेवलप हुआ। हम अपने पैटर्न पहचानने वाले इस गुण के चलते ही पेंटिंग में रंग भर सकते हैं, चीजों में अंतर कर सकते हैं और बादलों में आकृतियां देख सकते हैं। यह गुण हमारे दिमाग में आदिकाल से ही विकसित होना शुरू हो गया था और तभी से हमारे पूर्वजों ने तारों को पढ़ना सीखा। पैटर्न पहचानने वाले इस गुण के चलते हमारे पूर्वजों ने तारों को जोड़कर उनमें आकृतियां बनाई। उन्होंने तारों को देखा कि कौन सा तारा किस तारे के किस दिशा में है और वे क्या पैटर्न फॉर्म करते हैं, और इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने तारों को जोड़कर उनके ग्रुप बनाए। तारों के ये सिंपल ग्रुप तारों के गुच्छे नहीं थे बल्कि ये स्पेशल आकृतियां बनाते थे, कहीं कोई जानवर तो कहीं कोई पक्षी आदि। तारों को जोड़कर बनाई गई इन आकृतियों के सहारे मानव सभ्यता चलने लगी। हमारे पूर्वज इन तारों के समूह को देखते और देखते कि कौन से समूह के दिखने पर पृथ्वी पर कौन से बदलाव आते हैं। जैसे जब ओरायन दिखता है तब सर्दी का मौसम आता है और जब वीरगो दिखता है तब गर्मी का। ओरायन दिखना मतलब दक्षिण की तरफ चलो, घर बनाओ क्योंकि सर्दी आने वाली है, और जानवर भी सर्दी के कारण दक्षिण में पलायन करेंगे, तो शिकार करने की सही जगह दक्षिण होगी। तारों के द्वारा मौसम का अंदाजा लगाना, समय गणना करना, ये इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। तारों के इन्हीं समूह को आज हम तारा मंडल या नक्षत्र कहते हैं। कौन सा तारा मंडल दिखने पर कौन सा जानवर बच्चे को जन्म देगा, कौन से पेड़ में फल लगेंगे आदि जैसी चीजें भी तारा मंडल देख कर ही समझते थे। पर एक सवाल, वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या? वास्तव में तारामंडलों का पृथ्वी पर होने वाले किसी भी बदलाव में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे आसमान में तारामंडल बदलते हैं और इसी कारण मौसम भी। जैसे सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान अगर पृथ्वी इस तरफ है तो ये वाला नक्षत्र दिखेगा और इस तरफ है तो ये वाला। ऐसे ही सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से 88 अलग अलग तारामंडल दिखते हैं और इसी परिक्रमा के कारण मौसम भी बदलते हैं, और मौसम के हिसाब से पेड़ों में फल आते हैं और जीव ब्रीडिंग करते हैं। यानी तारामंडल का दिखना और पर्यावरण में होने वाले बदलाव दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों चीजों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, पर तारामंडल और मौसम एक साथ बदलते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तारामंडलों का पृथ्वी की किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है, पर चूंकि तारामंडल और मौसम हर साल एक साथ ही बदलते हैं, ये बात हमारे पूर्वज नहीं जानते थे। तारामंडल बनाने के दौरान हमारे पूर्वजों ने अलग अलग स्थानों पर तारों के बीच अलग अलग तरह से आकृतियां बनाई और उनके बीच कहानियां रची। जैसे भारत में जिन्हें हम सप्तऋषि के तारे कहते हैं, पश्चिम के देशों में उन्हें उर्सा मेजर या बिग डिपर कहा जाता है, और बाद में जब धर्मों का विकास शुरू हुआ तब हमारे पूर्वजों ने इन्हें दूसरी दुनियाओं और देवी देवताओं से जोड़कर देखा, और इसी तरह से ज्यादातर तारामंडल देवी देवताओं और जानवरों की कहानियों से मिलकर बने हैं। इन कहानियों के शुरुआती सबूत तारामंडलों की पेंटिंग के रूप में आदिकाल की गुफाओं में मिलते हैं, जिनमें से सबसे पुरानी पेंटिंग्स 30,000 साल पुरानी है।
ये हो गई इतिहास की बात, अब जानते हैं मॉडर्न काल में तारामंडलों के बारे में। तारों का वह समूह जिससे कोई आकार बनता है तथा उस आकार का कोई नाम होता है, जैसे सिंह, तुला और सप्तऋषि आदि। तारामंडल को ही अंग्रेजी में कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इनकी संख्या 88 है। राशि, वे तारामंडल जिन पर से सूर्य गुजरता है। नक्षत्र, तारामंडल को ही संस्कृत में नक्षत्र कहा जाता है, पर धार्मिक वार्ता में नक्षत्र का अर्थ होता है वे 28 तारामंडल जिन पर से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो कि इस प्रकार हैं। आप वीडियो को रोककर इनके नाम पढ़ सकते हैं। और एक बात, आखिर अब हम मॉडर्न ह्यूमंस इन तारामंडलों को क्यों मानते हैं? इसका जवाब है तारों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि आसमान के सारे तारों को एक एक कर याद करना और अध्ययन करने के बजाय उन्हें ग्रुप में पढ़ना ज्यादा आसान है। चलिए अब जानते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों, जिन्हें हम हिंदी में ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा से आए हैं। ग्रीक में एस्टर शब्द का अर्थ होता है स्टार यानी तारा। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी आज यह दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पर पुरातन काल में ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे और ज्योतिष शास्त्र व खगोल शास्त्र एक ही विषय हुआ करते थे। यह दोनों ही सब्जेक्ट ग्रहों, तारों और पिंडों के अध्ययन से जुड़े हैं। इन दोनों ही विषयों में हम आकाशीय पिंडों की गति के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में हम सौर ग्रहों तथा तारों की स्थितियों और गतियों और उनका मानव जीवन व घटनाओं पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र और फलित ज्योतिष आदि नामों से भी जाना जाता है। वही एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र में हम नक्षत्रों, सूर्य, ग्रहों तथा चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसे खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र और गणित ज्योतिष आदि नामों से भी जाना जाता है। अब जानते हैं राशियों के बारे में। राशियों की उत्पत्ति और विकास 1500 से 50 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी रचना सबसे पहले 1500 BC में बेबीलोन में हुई थी, जो मॉडर्न डे ईरान इराक का एरिया है। बेबीलोनिया के बाद ग्रीस, रोम, भारत और मिडिल ईस्ट आदि एरियाज में इन राशियों में कई बदलाव हुए और लोगों ने अपने अपने हिसाब से इनमें कहानियां बनाई। और भारत में भी माना जाता है कि सूर्य इन 12 राशियों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आज जो 12 राशियां हैं वे इस प्रकार हैं। आप वीडियो को रोककर इनका नाम देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ मॉडर्न तारामंडलों के बारे में। 100 ईस्वी में जन्मे ग्रीको रोमन एस्ट्रोनॉमर क्लोडियस टॉलमी ने 2nd शताब्दी ईस्वी में सबसे पहले 48 तारामंडलों को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में डाला। इसके बाद से जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी का विकास होता रहा, नए नए तारामंडल इस सूची में शामिल होते रहे और आज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं वे इस प्रकार हैं। ये है तारों के वे समूह जिनको आप रात के आसमान में देखकर पहचान सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें।